भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कोरबा के पाटीदार भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयक एक दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विविध प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोरबा जिला दंडाधिकारी रानू साहू रही। कार्यक्रम में उपस्थित जनमानस को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। आज जो कार्यक्रम यहां पर हुआ, जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत आज ये पाटीदार भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मिलाकर इसमें प्रतियोगिताएं हुई, अपना रेस कंपटीशन भी हुआ और विविध विविध व्यंजनों का भी प्रतियोगिता हुई। ये मैसेज तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत रत्न है, और मैसेज ये है कि एकता बनी रहे और आप जो भी अपना काम करते हैं इसमें दृढ़ निश्चय हो, और उनसे प्रेरणा लें अपन, जो लोग पुरुष के नाम से जाने जाते थे तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 31 अक्टूबर है और इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया गया और राष्ट्रीय एकता की शपथ यहाँ लोगों को दी गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति का आदान प्रदान हमें गुजरात राज्य के साथ करने का जो है इस राज्य पे लक्ष्य है। तो गुजराती समाज उनकी संस्कृति, कला, डांस, पकवान इत्यादि का छत्तीसगढ़ी समाज के साथ जो है वो मिंगल अप किस प्रकार से किया जाता है, और इनके दोनों समुदाय के बीच पारस्परिक जो है कला संस्कृति का आदान प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, गुजराती डांस और विभिन्न नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय एकता को और समाज की एकता, राज्य की एकता को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है।